हाँ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। दोस्तों दो तीन चीज़ा रहनी सी ट्रैक्टर से लगन वाली तुम्हें दिखा जटम छोटी रहनिया भी तुम दिखा दिना कि लगाइया ज नहीं लगाइया तो किवें लगाइया। तो इस तो अलावा भी कुछ गल्लां तुहाडे नाल करनिया ने, पहले वो चीज़ा देख लो वो काम नबेड़ लीए फिर बाकी गल्लां कर दी। अच्छा जी पहले दोस्तों ये सगा परल दे स्पेलिंग थोड़े कंप्यूटर वाले ने आउट कर दिते सीगे, आर इधर चला गया तो ए इधर आ गया सी, इहनू आपां ठीक कर दिता है। दूसरा दोस्त आंदे सीगे वी जिहड़ा है परचम ए साइड दा आ उन्हें आउट लगा दिता, असल में इस तरीके निकलता हों उधर तो इधर उल्ट कटते हैं कंप्यूटर वाले, ये उल्ट कटिया करके इधरली साइड से आ के तुम उल्ट लगता पाया भी परचम शायद उल्टा लगा या कैमरे देखने उल्टा लगता, लेकिन वैसे सही लगा। लेकिन जो कोई कमी होएगी तो फिर उतार देंगे आप दोबारा लगा देंगे, तो लेकिन यदा मसला कोई नहीं, असल पट नहीं होया नहीं तो असं दोबारा पट के यदि दुरुस्तगी फिर एक बार कर लेनी सी। इस तों अलावा जो ये चीज़ा लगन वाली सी दिखाओ जी अगे लियाओ एमें दे दो कैमरा। नंबर वन तो यह है जी कि यह गेयर नोब जी है ओरली आप नहीं सी लगाई, परली लगा दिती सी ए वाली, ये बहुत अच्छी जबरदस्त भी लगाई सी आपां, ते ए वाली उस तो बाद मैं मंगवाई है, ये भी काफ़ी महंगी है। तो एडजस्टेबल है ये 2.5 to 3 inch तक आप इन उपर चुक सकते हैं, मजीद हले इस तरी इस तो ज़्यादा चुक सकते हैं। ये दस्ती मैं सिर्फ लगा के सिर्फ तुहाडे वास्ते वीडियो बनाने करके मैं लगाई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, वजनी है, यदि एडजस्ट क्रोम वाली है ठीक है जी, अगर इधरों देखो तो कुछ इस तरह लगती है। दूसरी आइटम सी जी यदि हैंड रेस है नहीं दोस्तों भी खरे ना लगानी कोई नहीं, ये जी मंगवाई हुई सी स्टील की है, ये लाइट ब्लू कलर की है, आसमानी कलर की है, ये अंदर प्लास्कट का बोश आता है, यदा फायदा यह प्लास्कट का बोश एक तो खराब नहीं होएगी, इसे फार लाइफ कह सकते हैं तुम, ये अंदर प्लास्कट का बोश अगर किसी सूरत दे या किसी वक्त जो खराब भी हो जाए तो इस स्टील के अंदर भी चूड़ी पई हुई है, तो आप इस स्टील की चूड़ी के लोहे का बोश पा देंगे ये चाड़ देंगे तो ता भी कोई मसला नहीं होएगा, यह रीजी बन जाएगा। दोस्तों दसदा जावां कि यह वाली मुख्तलिफ कलर के मुख्तलिफ लंबाइया के मुख्तलिफ डिज़ाइन के दस्तियाब होंदियां, तो तकरीबन 2002 थले लभ जांदियां, ये भी बाहरों मंगवाई है, लेकिन मैनू यह घट लंबाई वाली चाहिए जी इतने बाहर निकल आती इतने आ जाती इदा यानी लंबी होंगी इस तरीके इतने आ जाती, वह मैं पसंद नहीं सी, मैं चाहता सी डैशबोर्ड की जी किनारी आप बनवाई है ये अंदर अंदर ही रहे, या अगर बाहर आवे तो अद्धी किंची ज थोड़ा बहुत बाहर शो करे। लो जी यू हूँ तुम जब मर्जी इतों फट के खिंची रखो आप दू प्लास्कट जी खिंचने टुट जाती है, ये खूबसूरत भी लगती है। तीसरा सगा जी स्टेयरिंग व्हील, यह कल धोता है अटैक जहाँ थोड़ी जी भाफ जी बड़ी है तो अंत थोड़ा क्लीयर नहीं होना, यह दुपे हूँ खड़ा होएगा, शामी लेट नाइट धोता से तो यह हूँ खुश्क हो जाएगा वापस टैग जरा बहाल हो जाएगा। ए वाला जी अपना डीप डिश स्टेयरिंग व्हील इन लगाया परकन का, तो जिनी देर तक कोई मेरा डिश डीप डिश स्टेयरिंग जरा बाहरों कोई नहीं आता उन्नी देर तक मैं लगाया, ये भी बहुत अच्छा खूबसूरत है, साइड तो बहुत अच्छी लुक दिता क्योंकि डीप डिश है, यह अपनी वो लीवर आ गया, ये अपना इतने इस बटन भी टच नहीं करता, यह जो अपने स्टेयरिंग वाला बटन है इतने लगा हुआ एल ई डी का, इनू भी यह टच नहीं करता तो इतने चला जाता है पिछे रहा वो, तो वैसे थले भी किसी बटन टच नहीं करता तो शो के नाल भी यह टच नहीं करता, तो उन्होंने साइड के उत्तों भी दिखा दिना ए वाला देखो इतों एक कुछ इस तरीके आता जी नज़र। हाँ जी वेखण बहुत खूबसूरत है, चला बहुत ग्रिप बहुत अच्छी है यदि, यह कुछ इस तरीके नज़र आता, तो नोबा की कुछ इस तरीके नज़र आता। स्टीयरिंग व्हील हूँ तुम्हें मैं दूसरी तरीके का दिखा देना दूसरी साइड तो बैक तो जाग, लो जी कुछ है लुक नज़र आएगी तो नोबा की स्टीयरिंग व्हील की हैंड रेस की, हूँ दस्यो भी बेहतरी हो गई है कि नहीं हो गई है, ये दो तीन चीज़ों का स्टीयरिंग व्हील का दोस्त आते स्टीयरिंग व्हील जरा चेंज करो। लो जी डीप डिश है, अगला नीवा सी यह हूँ थोड़ा जहा उपर निकल गया, हूँ चलाओगे तो घूमता हुआ नज़र ये डंडे जोड़े घूमते हुए नज़र भी आने के, तो ये उपर भी निकल गया, यह आ गई जी हूँ अपनी ए चेंजिंग आ गई अपनी जी, हूँ अगली गल करते हैं। अच्छा बाकी जी दोस्त आते सके भी तुम बंपर जरा ट्रैक्टर वो लगाओ है गलबन झांग स्टाइल वनू कहें गुजर वाले का पता नहीं कहें, मेरा कोई खास पता नहीं, बहुत ज़्यादा वो बड़ा होंदा ते अग्गों खलारा होंदा वह, मैं तो थोड़ी जी तफसीली गुफ्तगू करनी है, मैं दोस्तों समझदा कि वो मेरे स्टेयरिंग जरा वो जंगला आ या बंपर आ मैनू थोड़ा पसंद नहीं है, वो लगया भी इसे गलों नहीं, वजह यह है वो तफसीली वजह मैं तुम दस दूँ, वजह है एक तो वह वजन बहुत ज़्यादा है, ख
खिलारा बहुत ज़्यादा है। वो बंपर ट्रैक्टर के नाल इस तरीके है जिमें कोई किसी अनपढ़ या घट सोहने बंद कोई एक्सट्रा खूबसूरत लड़की की शादी करते हो तुम पढ़ी लिखी की तो वह कुड़ी की जी परसनैलिटी है वह मुंडे की परसनैलिटी खा जाती है तो पिंड फिर मजाक बनते हैं। ये ट्रैक्टर की परसनैलिटी वह बंपर खा जाता है मेरी समझ के मुताबिक है। किसी लाने किसी के लाने मैं कोई इतराज नहीं, बाकी मैं आपकी राय दे रहा, यह जस्ट मेरी राय है, मेरी सोच है कि वह बंपर जरा ट्रैक्टर की परसनैलिटी खा जाता है। देखने वाला बंपर हमेशा तां लगाया जाता कि ट्रैक्टर सोहना लगे, ना कि इस गलों लगाया जाता कि बंपर लगा हुआ बंपर ही सोहना लगी जाए। ठीक है जी। दूसरा कंफर्टेबल होना जरूरी होंगे, लाजम आप हर पासों तंगी जरूर लैनी है। बंदा इस दुनिया से आसानी वास्ते आया, तंगियों वास्ते तो नहीं आया भी हर पासों खुद ही तंगियां खरीदी रखे मुल खरीदे। सो इस करके वह बहुत खलारा है, वह एक तंगी है जी मैं महसूस होंगी सी मैं नहीं लगाया। दूसरी वजह यह सी बंपर का वजन बहुत ज़्यादा है, वजन के उत्ते मैं दो तीन वीडियो अगे भी बना चुके हूँ दोबारा फिर दसदा पाया। वो संगलियां इतने पाइया तीन स्टैप दी, ठीक है, यह जो संगलियां है ये तीन स्टैप दी पाई हुई इतने एक दो तीन हों की जिस टाइम तुम उसू लगाते हो तुम मिट्टी और डस्ट और पानी इकट्ठा हों और ठीक दो तीन महीने तो बाद जंग ना भर जाती और जंग ना भरया हुआ इतना मोटा लोहा थले लटक रहा हों इस तरीके कोई आवाज़ नहीं होंगी, उस छनकार उन्होंने नहीं आती क्योंकि तीन तहवा जल्द इधर रल दें ना उन्हों की आवाज़ बंद हो जाती है। एक तय हो खड़के आवाज़ आए लोग आवाज़ वास्ते लाते हूँ असं बगैर आवाज़ तो लगाइया हुई असं आवाज़ वास्ते नहीं लगाइया, इन्हों की कोई आवाज़ नहीं है। ठीक है जी। दूसरा मैं जो बंपर लगया मैसी के ट्रैक्टर के दो रैड रैड ट्रैक्टर जो चा 385 अपने को उदों लाया 150 कमेंट सेगा पाकिस्तानियों का आया जिद्द एक मुंडे सिख ने और बल्कि एक ने या दो तिना ने कमेंट किए हुए सिखा ने कि 140 किलो का बंपर अगे लगया तो ट्रैक्टर पिछों जंप लगेगा। बिल्कुल वो हकीकत सी और मैं ये चीज़ फील कर ली सी, मैं बंपर लगा के अड्डे तो निकल आई हाँ घर तक आदि मैंने समझ लग गई सी भी ये बंपर गलत बन गया। फिर मैं वो वास्ते उदों वेट ऑर्डर कर दते वेट ऑर्डर कर दते तो फिर वो मैं वेट मंगवा लाए हुए सी लगाए नहीं सी हले उदों उस मुंडे का मैं कमेंट पढ़िया तो मैं कहा सी बड़ी समझदारी वाला कमेंट किया इन्हें बिल्कुल अकलमंदी वाला वो मैं तुम दसदा जावां हों कि हों इस तरीके है थोड़ा इन आके दिखा इधर सैड दा इस तरीके आ कभी भी जो बंपर आ ना कोशिश करो कि बंपर 110-120 किलो ज़्यादा तो ज़्यादा इस उत्ते ना जाओ। ठीक है, इनू कोई आप वक्त नहीं पाना है, 100 किलो के वेट तुम ला लो कि मे ये भी मेरी अपनी सैंस आ गलत हो कमेंट कर दियो कोई मैं सैंस बड़ी ज़्यादा पढ़िया हुआ तो है नहीं तो वेट जड़े ने इतने ला के अगर तुम 100 किलो वजन ये लगाओ इस मोढ़े इस जगह इस प्लेट पर तो 100 किलो का बंपर तुम ला दौ इतने यह मत्था इतने 100 किलो का बंपर ला दौ ये 150 किलो का काम करेगा वेट का यदा वजन अगे चला जाता है। ये सेम उस तरीके गल है कि ये मिसाल वास्ते मैं तेरे को रैंच दिखाने लगा है ये सेम इस तरीके ही है भी आ रैंच आ जी अपना 1 किलो का इनू आप उंगल दे जनाब इस तरीके मोढ़ च पा लिया तो इनू हूँ मैं इदा हिलाव ये मेरे हाथ से की अफेक्ट करता इनू हूँ मैं इस चीची के एंड के उत्ते अड़ा के हाथ में हिलाव तो हूँ मेरे हाथ में की इफेक्ट करता एक खुद तजर्बा कर लिया। इस करके यदा वजन जोड़ा अगे आ बहुत ज़्यादा पाने की जरूरत नहीं होंगी, जो बंपर तुम कहने ना शो वाला तो वही खिलारा वो इस जगह पर खिलारा जहा बहुत ट्रैक्टर की परसनैलिटी खा जाता है और वजन बहुत ज़्यादा है। ट्रैक्टर तंग हों बे पिछे वेट लाते हैं तो बस फिर वह शूका शाकी के अपना दबी रखते रहेंगे तो वह मुनासिब नहीं। सो इस करके उन्होंने नहीं लगया और ना ही मैं कोई रिकमेंड करता किसी भी इन्ना भारा बंपर लाओ उ ला लो लेकिन वो डेकोरेशन कर लो तुम लगाना चाहते हो तो शौक है माशाला सानू वधिया लगता है लेकिन वह वजन घटाओ किस तरीके चंग संगलियां सुंगलियां का दूसरी डेकोरेशन का वजन घटा के उन्होंने 110-120 किलो के लियाओ इन्ना ज़्यादा वजन से ना जाओ। ये बंपर के उत्ते काफ़ी तकरीर हो गई जी। अच्छा इस तो अलावा तो गल है सारी राबते की ट्रैक्टर नाल तुहाडा राबता होना जरूरी है। अगर तुम शौकीन हो या अपने आप को शौकीन समझते हो या कहलाउंदे हो या नज़र आउंदे हो या देखते हो तुहाडा ट्रैक्टर नाल राबता होना जरूरी है। कोई भी आइटम ना लगाओ इस ट्रैक्टर से, यह भी ना लगाओ, वेट भी ना लगाओ, डेकोरेशन कोई चीज़ ना करो। शौक का जो लेवल है वह यह है कि तुहाडा ट्रैक्टर नाल राबता किवें है। ट्रैक्टर नाल राबता तुहाडा ट्रैक्टर का जिहड़ा जिहड़ा ना कम्यूनीकेशन उत्ते बैठ के जो तुम चलाने जिहड़ा तुहाडी वो आवाज़ आ ट्रैक्टर की वो तुहाडे वास्ते म्यूजिक का काम करे। हाँ जी, तुहानू ट्रैक्टर की समझ आए तो ट्रैक्टर भी तुहाडी माड़ी मोटी आए। खैर पाकिस्तानी ट्रैक्टर में तो एडी ना तुहाडी शायद आए लेकिन फिर भी चलो खैर ये एक अलग गल लेकिन ये राबता जरूरी है। राबता होगा तो सारी गेम होएगी।
इस तो अलावा जी बहुत सारे दोस्तों की आखण सगा जी कि असं बहर बैठे दोस्त जोड़े ने कि असं तुम ट्रैक्टर भेज दें तो ट्रैक्टर भाई तैयार कर दियो। मैं जी अपना सही पूछूँ तो मैं वैसे सोचा सगा कि पाकिस्तान के पूरे देश कोई ऐसी कोई वर्कशॉप नहीं है जिथे तुम्हें सारा कुछ मिल जाए, जिथे थोड़ा रंग हो जाए, डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, डेकोरेशन का सारा समान मौजूद हो, बाकी हर चीज़ दी दुकाना मौजूद ने, सिर्फ ट्रैक्टर की मौजूद नहीं आ। मैं इस तरह का कुछ सोचा कि इस तरह का कुछ होना चाहिए, मैकेनिकल डेंटिंग पेंटिंग डेकोरेशन नवे दौर की जी होना जरूरी है, बट मैं अकेला भी हाँ तो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दिता जा सकता, इस उत्ते मैं काम नहीं कर सकता। तो काफ़ी सारे दोस्तों के बारों कमेंट आए थे और मेरे राबते च ने कि असी तुम ट्रैक्टर भेज दें, कोई जड़ियाँ चीज़ें ये रह गई ने तुम ये नहीं कर सके, सानू कर दौ या ये कर दौ, चॉइस कलर करवा दौ, तो इस तरह दी कुछ चीज़ा लगवा दौ मंगवा के, छोटिया छोटिया जड़ियाँ अच्छी लगन खूबसूरत लगन। तो वास्ते मैं दोस्तों नूं माजरत की है जी फिलहाल, तो बाकी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मौसम थोड़ा जहा ठीक हो जाता, टैंपरेचर थोड़ा ठीक हो जाता, तो फिर वो मैं किसी दोस्त शायद किसी का एक का ट्रैक्टर जरा मंगवा के तो उन्होंने तैयार करा और वो उत्ते कुछ नई चीज़ा आप लगाइए, कुछ नए आइडिए जोड़े मैं सोच रखे ने जोड़े ये काफ़ी हो गए अगर लगा तो इन्हें फिर ओवर हो जाना सी, और एक ही ट्रैक्टर के उत्ते हर चीज़ नहीं अजमाई जा सकती, तो ये उत्ते नहीं जड़िया चीज़ा लगाइया आप लगावे। तो लेकिन हले लेट है, हले कोई नहीं पता भी कि ट्रैक्टर आप मंगाने जो चार पाँच सात दोस्त कहते हैं किसी का मंगवावे, किसी का वह जो नई चीज़ा आप लगाइया वो बारे कमेंट करके अपनी राय जरूर देनी है। तो बंपर के उत्ते जी गुफ्तगू की ये भी अपनी समझ के नाल दसना भी तुहाडी समझ की कहती है, गल जायज़ है या नजायज़ है। तो दूसरा हमेशा ना जी ट्रैक्टर के उत्ते ना बहुत ज़्यादा चीज़ा जी डेकोरेशन तुम कहते हो ना बहुत वड्डा पिछे एक लगाइए आप छतरी या साउंड सिस्टम बहुत दोस्त कहेंदे है। दोस्तों कोई भी चीज़ है बंपर तो ला के साउंड सिस्टम कोई भी चीज़ है अलहमदुल्ला मैं किसी भी चीज़ को मंगा एक कॉल भी करा ना अलहमदुल्ला अल्लाह की मेहरबानी नालों मेरे घर तक पहुँच जानी उस टाइम। लेकिन मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगाना चाहता लगाई या लगाने का वो मेरा प्रोग्राम आ जिद ट्रैक्टर तंगी हो मैनू चलाने तंगी हो, ट्रैक्टर पर बैठो तो एक पढ़ी लिखी जी फीलिंग आनी चाहिए ना कि तुम बैठो तो आले दुआले इन्ना कुछ हो देखो तुम कहो यार मैं कि अजाब में फस गया। हाँ जी तो जे थोड़ा जेन ही यहोजा होगा तो फिर खैर ना वो जो मर्जी वे जो मर्जी चढ़ाई जाओ लगाई जाओ थोड़े इलाके अगर चलता है तोड़े इलाके अगर चलता है तो वह सोहना लगना है। हूँ ये गलों के उत्ते हूँ कुछ लोगों ने गुस्सा करना जी साढ़े बंपर को माड़ा कहता या ट्रैक्टर साड़ी डेकोरेशन माड़ा कहते नहीं यदा भी हल अपने को हूँ जोड़ा ए ट्रैक्टर है साढ़े इलाके जी पसंद नहीं जी करते साढ़े इलाके यानी यह हूँ तो बहुत खूबसूरत बन गया हूँ तो पसंद करते नहीं लेकिन इस तरह की मोडिफिकेशन आ गेयर नोबा चेंज कीतियां नैबा लाइटा जी थोड़िया वक्रे टाइप का स्टील बंप इस तरह दीज़ा कीतियां इन्हों पसंद नहीं करते साढ़े इलाके पसंद करते हैं। बंपर थोड़ा इस तरह का ही हों लेकिन इतने तारा जा रही होर वो गेंदा पाइया हो बहुत सारे परांदे दस भी परांदे इधर होन दस भी परांदे इधर होन कोई दो तीन फिल्टर जोड़े है फीएट के वह ऑयल आए वो इतने टंगे हो दो फिल्टर उधर लमकते हो आपस में ठा ठा वजन जल्द चले। तो इस तो अलावा जी वो पिछे जी एक टेप हो बोतल कैन वाली कट के वो स्पीकर ला के लाया हों एक एक बांह लंबी जिनी तूती जी लाई होंगी है तो टेप जी असी स्पैशल बनवाई एडे एडे मोटे एसी लवाए ये आवाज़ छोड़ोगे तो दो मरबे कर सुनोगे तो मज़ा आएगा इदा दीज़ा पसंद करते हैं। ठीक है हर इलाके का आप शौक हों ना मैं अपने इलाके की तारीफ कर रहा इदा दीज़ पसंद करते भी टेप पूरी दुनिया सुने लगी हुई हालांकि ये कोई सीन नहीं है टेप जिदा कहने आप 40-50-60 हज़ार या लख रुपए की टेप जी लग जाए तो कोई एड्डा हर्ज नहीं बंदा ला दिंदा है कि गल लेकिन आप लाउनी नहीं इस गलों हूँ आप ना तो आप पसंद करते हैं हूँ इस उम्र च आके टेप हूँ ट्रैक्टर कार कूर चल जाती है या मोबाइलों शोबाइलों से कोई देखना हो शायद बंदा झट भी झट देख लगा तो ट्रैक्टर के उत्ते मैं पसंद नहीं अच्छा एड्डी ज़्यादा टेप सो इस करके ना ही आप लगानी है ना ही आप रिकमेंड करते हैं कोई एड्डा ज़्यादा टेप से खर्चा किया करो ये लोगों को तंगी होंगी है परेशानी होंगी है तो कोई वध घट सीन हो गया हो समझ की गल कि ना की गई हो तो वो वास्ते माधर थैंक्स फॉर वाचिंग जी कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो।